मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरवा में व्यापारियों वर्ग से बैठक के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी एनसीएल के अधिकारियों समेत एनसीएल की खदानों में कार्य में लगी ओबी कंपनियां और तिरमूला एवं हिंडालको महान के प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें कंपनी में कार्य कर रहे श्रमिकों को लाने ले जाने की लिए उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बस में एक सीट पर एक ही व्यक्ति एवं वाहनों में सैनिटाइजिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस दौरान सहायक कलेक्टर एस प्रिय, एसडीएम ऋषि पवार, एसडीओपी सिंगरौली नीरज नामदेव, मोरवा नगर निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर एनसीएल में जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं उनकी एक मीटिंग ली गई थी और हमने उन लोगों को यही निर्देश दिया है कि आप लोग आवश्यक रूप से आपके जो वर्कर्स हैं, क्योंकि कोल एसेंशियल कमोडिटी में है, उसके किसी भी तरह के उत्खनन पर रोक तो नहीं है, लेकिन आपके वर्कर्स को एक जो सोशल डिस्टेंसिंग का इशू है उसका आवश्यक रूप से पालन करना है। उनको आपको आवश्यक रूप से बार बार सैनिटाइजर यूज़ करने की आदत डलवाइए, मास्क का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति उसमें से किसी तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो उसको होम क्वारंटाइन करें, उसको ड्यूटी पर नहीं बुलाएं। तो ये हमने उनसे बात करी और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हर हालत में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय